आ गया दुनिया की सबसे सस्ता फोन जियो फोन 3। जी हाँ दोस्तों, क्या आपको अभी तक जियो फोन 3 नहीं मिला है? तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो। अंत तक लोग आप लोग इस वीडियो को नहीं देखते हो जिससे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता है और जिससे आपके घर जियो फोन 3 नहीं जाता है। दोस्तों मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप जियो फोन 3 को ले सकते हो। जियो का एक बहुत ही तीसरा स्मार्टफोन है जो आप सभी को यह बहुत ही कम कीमत में मिलेगी। दोस्तों यह फोन आप सभी को कैसे मिलेगी, कैसे आप इस फोन को ले सकते हो, इस फोन में क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या फीचर्स हैं, वो सारी चीजें मैं आज की इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, आप सभी को बताने वाला हूं। इस फोन में प्ले स्टोर होगा या नहीं, सारी चीजें मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। सो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। अंत तक देखोगे तो ही आप इस फोन के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन ले पाओगे और जिससे आप लोग इस फोन को ले पाओगे उससे आपको सारी मतलब फायदा हो जाएगी, मतलब लाभ ही लाभ हो जाएगा। तो दोस्तों इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, क्योंकि बहुत सारे कम कीमत में यह फोन आई है तो आपसे पहले कोई और ले लिया और आपको ना मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और रेड बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दिख रहा होगा इसको भी जोर से दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि बहुत सारे फ्रेंड है जो पूछते हैं भाई इस फोन की बनावट कैसी है, इस फोन की मतलब कैसी है फीचर्स इस फोन में। तो सारी चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपको बता देता हूं ताकि आपको फोन खरीदने में कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों यह फोन की बनावट बहुत ही अच्छी तरीका से इस फोन में आपको बता दूं बहुत ही बढ़िया बढ़िया फिल्टर्स दी गई है। जियो और गूगल इस फोन को मिल करके बनाया है पार्टनरशिपिंग में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह फोन हैंग भी नहीं करेगा। अगर आप लोग इस फोन में औकात से ज्यादा इस फोन में आप लोग स्टोरेज मतलब रखते हो, डेटा रखते हो, तो यह फोन हैंग करेगा। जी हाँ दोस्तों, इस फोन में आपको प्ले स्टोर देखने को मिलेगी जिससे आप लोग कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों इस फोन में अभी ऑफिशियल रैम नहीं बताई गई है, स्टोरेज नहीं बताई गई है, बट आपको एक अच्छा सा रैम और स्टोरेज भी मिल सकता है क्योंकि यह जियो का तीसरा फोन है और लेटेस्ट फोन है जियो का, एक स्मार्ट टच स्क्रीन टच वाली फोन जो आप लोग टच करोगे तो यह फोन चलना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों यह एक बटन वाली फोन नहीं है तो आप लोग को यह एक स्मार्ट टच वाला फोन मिलेगा। और दोस्तों यह फोन में आपको कमाल कमाल का फीचर्स वाली चीजें मिलेंगी। इसमें आपको अच्छा कैमरा और बढ़िया से बढ़िया आपको फीचर्स देखने को मिलेगी क्योंकि यह फोन को जियो और गूगल मिल करके बनाया है। और दोस्तों यह बहुत ही हैवी और बहुत ही शानदार फोन होगी आप सभी के लिए। दोस्तों यह फोन का प्राइस बहुत सारे लोग हैं जो बता रहे हैं अभी ऑनलाइन में कि इस फोन का प्राइस 3500 से लेकर के 4000 के बीच में होगी, बट हो सकती है कि इससे भी कम हो जाए। दोस्तों मैं आपको बता दूं जियो जब भी लाता है एकदम धांसू और सबसे अलग सबसे हट के कुछ अलग चीज़ लाता है जो आप सभी के लिए फ़ायदा ही फायदा और ऑफर ही ऑफर देता है। दोस्तों इसका जैसा कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, जियो फोन 3 अभी इंडिया में आने वाली है और सभी के लिए यह बहुत ही शानदार फ़ोन होने वाली है क्योंकि गांव में बहुत सारे लोग हैं जो अभी बटन वाले फ़ोन चला रहे हैं, उनके लिए खास करके यह फ़ोन बनाई गई है एक स्क्रीन टच वाली जो सभी लोग ले पाए इस फ़ोन को। उनके पास उतना सारे पैसे नहीं होते हैं कि वो 10,000-15,000 की फ़ोन ले पाए, इसलिए इस फ़ोन को मतलब बनाई गई है जो अभी बटन वाले फ़ोन चलाते हो उनके लिए एक स्मार्टफोन मिलेगा जियो की तरफ से। और इस फ़ोन में आप सब बहुत सारे मज़े ले पाओगे, बहुत सारे एप्लीकेशन भी मिलेंगे और आप लोग प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो आसानी से। दोस्तों इस फोन में आप लोग गेमिंग भी कर सकते हो, बट आप लोग फ्री फायर पबजी खेल सकते हो या नहीं अभी कंफर्म नहीं हुई है क्योंकि इसमें प्रोसेसर कितना है और रैम कितना है वो चीज़ें अभी निकल के नहीं आई है सामने से। बट हाँ, इस फोन में कैमरा आपको बहुत शानदार देखने को मिलेगी। और दोस्तों यह फ़ोन आप लोग लेना चाहते हो, अपने घर तक मंगवाना चाहते हो, इस फ़ोन का सबसे पहले अपडेट पाना चाहते हो तो दोस्तों आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा, इस वीडियो को लाइक कर देना होगा, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर देना होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह फ़ोन ऑफिशियली लॉन्च डेट आ चुकी है 10 सितंबर को, गणेश चतुर्दशी पड़ेगी और उसी दिन यह फ़ोन लॉन्च होगी और आपके मार्केट में मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह फ़ोन अभी कहीं भी बुकिंग नहीं हो रहा है तो आप लोग कहीं बुक मत करवाइएगा। जी हाँ दोस्तों, यह फ़ोन आपको चाहिए या नहीं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि भाई मेरे को यह फ़ोन चाहिए, मैं इस फ़ोन को पसंद करता हूँ, या आप लोग लिख सकते हो।